वेल फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आज दो साल बाद आपके सामने लेकर पारस सुंडा वीलॉग्स, और इसमें हम दिखाते हैं मॉडिफिकेशंस का वो लेवल जो शायद उतनी फिनिश के साथ और उतनी अप्रोप्रिएशन के साथ किसी ने आज तक दिखाया नहीं होगा। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं मेरे वीलॉग्स के ऊपर कि भाई दो साल हो गए, आपने कोई सीजन नहीं लेके आए, आप कोई विंटेज कार्स नहीं लेके आए, मॉडिफिकेशंस नहीं लेके आए। बिकॉज आई बिलीव कि हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऊपर खुद काम करते हैं, उस पर टाइम लगता है। बिकॉज हमारी मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं जिनके ऑलरेडी एक एक दो दो साल के प्रोजेक्ट होते हैं। और गाइज, मैं ये बताना चाहूँगा, मॉडिफिकेशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये दो तीन महीने का काम नहीं है। बिकॉज ये हैंडमेड कार्स होती हैं, इनके साथ टाइम लगता है इनको फ्रेम में बिठाने के लिए, इनको पूरी तरीके से रोड पर चलाने के लिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो आज फिर दो साल बाद मैं लेकर हाजिर हूँ अपना सीजन 3, जिसमें पारस सुंडा वीलॉग्स में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस दिखाने वाला हूँ जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी, अचंभे में ले आएंगी, और आपको लगेगा कि ये हम क्या देख रहे हैं। एज यू ऑल नो, आर रिलेशनशिप विद ग्रीन आर्मी मोटर स्पोर्ट्स इज वेरी लॉन्ग, एंड आई प्रेफर कि मैं मॉडिफिकेशंस वही दिखाऊं जो ग्रीन आर्मी मोटर स्पोर्ट्स करता है, बिकॉज इनके साथ एक पुराना रिश्ता है। इनके साथ ही मैंने अपने वीलॉग्स पेंडेमिक के दौरान शुरू किए थे, कोविड के दौरान, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो 4-4, 5-5 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं। सो गाइज, इन वी आर स्टैंडिंग इन ग्रीन आर्मी मोटर स्पोर्ट्स टुडे, और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना या सोचा है। देखा बहुत है और हिंदुस्तान में ओरिजिनल्स बहुत अवेलेबल है, बट आई वुड लाइक टू शो यू फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच वी कॉल द वन एंड ओनली द इंडिजिनियस मेड इन इंडिया हमर H2। सो आप तब तक गेस करो, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कि ये गाड़ी किस गाड़ी पे बेस्ड है, किस पे ये मॉडिफाई हुई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है, दिस इज़ अ ट्रॉफी कार फॉर आ फ्रेंड, जिसको हमर बनानी थी, तो हमने बिकॉज उसको वो इंपोर्ट करना और ये करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो ही वॉन्टेड टू मेक इट, वो अपने फार्म हाउस पर रखना चाहता है इसको, जस्ट टू शो। और हमने कुछ काम किया है, ग्रीन आर्मी मोटर स्पोर्ट्स ने कुछ काम किया है इसमें, तो लेट्स सी, दिखाते हैं आपको अपनी वन एंड ओनली इंडिजिनियस मेड इन इंडिया हमर H2। आपको गेस करना पड़ेगा ये किस कार पे बेस्ड है। सो मैं आपको फिर ये बात बोलना चाहूंगा कि ये जो कार्स हैं, ये थर्ड कार या सेकंड कार हो सकती है, टू कीप इट इन योर फार्म हाउस, टू जस्ट टू बी विद योर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अंदर ही ड्राइव कर लिया, कहीं थोड़ा बहुत आसपास ड्राइव कर लिया, बट फॉर रोड्स यू हैव टू बी वेयर। एंड ये मैं कहूँगा रिच बॉयज़ टॉयज़ हैं, तो जितने भी मेरे कुछ अच्छे अमीर दोस्त हैं वो ऐसी चीज़ें बनवाते रहते हैं अपने शौक के लिए, एंड दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल गाइज। मतलब मैं कहूँगा प्रिसिशन फिनिश, और अब देख के मुझे कोई बता दे कि भाई किस एंगल से आपको ये हमर नहीं लग रही। यू कैन सी द अलॉयज, द टायर्स, द प्रिसिशन इन मेकिंग। अंदर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, बिकॉज अंदर मोस्टली मेरे फ्रेंड के मुताबिक हमने उसका पूरा टेस्ट दिया है जो वो चाहता था अंदर हो, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, एंड दिस इज मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन इन इंडिया। एंड मॉडिफिकेशन का आयाम देखिए कि आप एक एक चीज, द बॉडी लाइन, द फेंडर्स, द पेंट, एवरीथिंग, द प्रिसिशन इन मेकिंग, क्वालिटी, लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक ब्रांड न्यू कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री। सो गाइज, फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रॉम द फ्रंट, यू कैन हैव द लुक ऑन द ग्रिल, जो ओरिजिनल हमर ग्रिल है, ठीक है। देन वी हैव द बम्पर एंड द फेंडर लाइनिंग ऑफ द बम्पर, नीचे खालिस मेटल, मतलब तबाही। और उसके ऊपर आप देखिए इसका बोनेट जो है, ब्यूटिफुल हमर की ओरिजिनल ग्रिल लगी हुई है ऊपर, बोनेट ग्रिल जिसे कहते हैं हम। देन वी हैव दीज LED हेडलैम्प्स विद इंडिकेटर्स एंड LED फॉग लैम्प्स। वेल, अब आपको दिखाने वाला हूँ गाड़ी के पैरों में जो जूते डाले जाते हैं। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टायर्स, दीज आर 35 inches, रोड मार्क प्राइम मास्टर MT2, अमेजिंग टायर। एंड वी हैव दिस अलॉय विच इज 18 inches, सो टायर्स आर 35 inches। तो गाड़ी देख के आपको लग रहा हो टायर छोटे हैं, बट टायर बहुत बड़े हैं। सो 35 inch के टायर है और 18 inch का अलॉय है। दिस अलॉय इज US मेड अलॉय, स्पेशली कस्टमाइज फॉर दिस हमर। सो मोस्टली हमर्स के अंदर जो अलॉयज डलते हैं वो स्पेशली कस्टमाइज होते हैं, सो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एंड देन वी हैव
ये हमर में ऊपर चढ़ने के लिए आपका सपोर्ट सिस्टम, अंदर अभी नहीं दिखाऊंगा, रुक जाओ, अंदर बताता हूँ अभी। सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल टेंटेड सिल्वर कलर के हैंडल्स, हमर ओपनिंग हैंडल्स, ये देखिए। अच्छा, इसके अंदर वी हैव दिस ओरिजिनल हमर लाइट्स ऑन द टॉप, और ये ऊपर जो रूफ ग्रिल है बहुत सुंदर सी। देन वी हैव अ स्पेयर टायर फॉर यू विद द कवर ऑफ हमर, एंड नाउ यू कैन सी द लाइट्स। सो मुझसे ये सब पूछेंगे भैया कि ये सब ओरिजिनल है? हाँ जी भैया, ये आफ्टर मार्केट है, बट सारा सामान जो हमर में लगता है वो ओरिजिनल है, और हमने काफ़ी कुछ दुबई से इंपोर्ट किया है, इधर उधर से इंपोर्ट किया है, काफ़ी जो इसके पार्ट्स हैं एक्सटीरियर पार्ट्स वो भी दुबई से इंपोर्ट हुए हैं, ठीक है। बट ये बम्पर्स और ये पूरी बॉडी डेवलपमेंट हमारी खुद की है यहाँ पे, इनकी ग्रीन आर्मी मोटर स्पोर्ट्स वालों की। तो मैं अक्सर मुझे लोग बोलते हैं हमारी, बिकॉज उनसे प्यार ऐसा बना हुआ है, मुझे लगता है मेरा घर है, सो इट्स हमारी। सो वी हैव दिस बम्पर ओवर हियर, बैक बम्पर देख सकते हैं आप, यू कैन सी कितने प्यार से और कितने तरीके से इन्होंने ये डिक्की बनाई है। अभी अंदर नहीं दिखाना, जैसे ही रुक जा, ये बाहर का ही सिस्टम है सारा। सो यू कैन वेरी वेल सी ये फुली ऑपरेशनल, पूरी तरह से ओपन होने वाली। अगेन दिस साइड, हाँ डीजल गजलर है, बिकॉज जिस गाड़ी पे ये बेस्ड है वो डीजल गाड़ी थी, बट ये ऑटोमेटिक 4x4। और अब इसके बारे में बात करेंगे कि अब इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अब कि ये किस गाड़ी पे बेस्ड है। सो एक्चुअली दिस हमर इज बेस्ड ऑन अ 2014 मॉडल फोर्ड एंडेवर 4x4। सो ये आपकी पुरानी वाली एंडेवर है 4x4, उसके ऊपर ये हमर बेस्ड है। चेसिस वो है, बॉडी पूरी वो है, बीच में कुछ पार्ट्स हमर की तरह से लगाए गए हैं। एक्चुअली पूरा जो बॉडी वर्क है उसको रीफ्रेम किया गया सारा, और बिल्कुल हमर की तरह ढाला गया। सो गाइस, दिस इज़ एक्चुअली द इंडिजीनियस फर्स्ट इंडियन मेड हमर आउट ऑफ फोर्ड एंडेवर, ठीक है। तो आई एम सॉरी बट वी हैव डन दिस, बट दिस इज़ ऑल फॉर मॉडिफिकेशंस एंड द लव फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो मैं ये बोलूँगा मॉडिफिकेशन भी एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है, जो यहाँ पे संजय जी करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द हार्ट बीट, द मेजर थिंग, इंजन। वेल, इंजन जो है वो एक्चुअल फोर्ड एंडेवर 4x4 का 3.2 लीटर 3200 सीसी, ठीक है। तो मुझसे अक्सर लोग बात करते हैं आपकी गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी जायंट होती हैं, उनको सस्टेन करने के लिए इंजन कौन सा होता है? तो 3200 सीसी का इंजन इज़ आई थिंक मोर इनफ, मच इनफ कि हम लोग इस गाड़ी को दौड़ा सकें ऑन रोड, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअल फोर्ड एंडेवर का हमने ऑटोमेटिक 4x4 3.2 लीटर 3200 सीसी इंजन यूज़ किया उसके अंदर। सो इट्स मच मोर टू सस्टेन दिस एंटायर ह्यूज हमर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा, लेट मी टेक यू टू फॉर द इंटीरियर टॉर, आजिए। सो यू कैन सी दिस साइड मिरर्स, वी हैव कैमराज हेयर, सो 360 कैमराज है हमारे साइड मिरर्स के अंदर, अंदर डैश कैम भी लगा हुआ है, तो आपको 360 व्यू मिलता है पूरा। सो लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज इंडिजीनियस H2 हमर, ये टेस्ला स्क्रीन है इसकी, और सारे जो कंट्रोल्स हैं वो एक्चुअल फोर्ड एंडेवर के दिए गए हैं विद द प्रॉपर गियर कंट्रोल 4x4। ये अप हिल है, लो हिल है, फिर फोर व्हील ड्राइव है, 3, 2, 1 ऑल द गियर्स विद अस, विद पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड, ठीक है। तो इसमें टू व्हील ड्राइव भी है, फोर व्हील ड्राइव भी है, ऑल व्हील ड्राइव भी है। सो दिस इज़ अमेजिंग। सो आपको यहाँ पे पूरी तरह की फैसिलिटी मिलती है। सो वी हैव कैप्ट इट एज इट इज़, और इसके अंदर हमने 3 कैमरा स्क्रीन्स लगा रखे हैं, एक स्क्रीन यहाँ पे है, एक स्क्रीन वहाँ पे आएगा जो अभी अवेलेबल नहीं है, बट या भैया मेरे को बता रहे थे कि एक स्क्रीन वहाँ पे आने वाली, एक स्क्रीन यहाँ पे है, एक स्क्रीन यहाँ पे है, एंड विद GPS, विद ऑल द कंट्रोल्स, एवरीथिंग इन बिल्ट। सो दिस इज़ फॉर शॉफर, हाउ डू यू फील? अब मैं आपको पीछे लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज पीछे थोड़ा सा अलग कैबिन है, ठीक है, लेट मी शो यू। सो ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर आप स्क्रीन साइज देख रहे हो सामने, 42 इंचेस टीवी स्क्रीन इनसाइड द हमर, वाओ।
एंड देन वी हैव दीज टू अमेजिंग रिक्लाइनर सीट्स एंड देयर इज अ स्मॉल बार, तो आपके बार के लिए ये एंड अ थर्ड सीट विच एनी वन कैन सिट एंड टॉक, बातचीत हो सकती है. सो पूरा मीटिंग कंपार्टमेंट है अंदर, खाने पीने का कारोबार का सिस्टम भी पूरा है, मीटिंग का सिस्टम भी पूरा है. सो यू कैन एक्चुअली हैव अ मीटिंग ऑन द रोड वाइल ड्राइविंग एंजॉयिंग इन योर हमर H2. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, ऑल AC पैनल्स और अंदर आप जो फिनिश देख सकते हो, मतलब अमेजिंगली डन. ये वुडल पैनलिंग है पूरी, आप देख सकते हो, दिस इज ऑल वुडल पैनलिंग. देन वी हैव ग्लास होल्डर्स ओवर हेयर ऑल्सो टू ड्रिंक एंड सेट, ग्लास होल्डर यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी ग्लास होल्डर्स है और AC कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे हाथ में. सो यू कैन कंट्रोल योर रियर AC थ्रू दीज कंट्रोल्स एंड इट हैज़ ऑल ऑम्बियंट लाइटिंग. सो यू कैन फील दिस इज एन अमेजिंग थिंग, दिस इज लवली, दिस इज ब्यूटिफुल. सो एक्चुअली ड्राइविंग अ हमर इन इंडिया, नॉट ड्राइविंग, इंजॉइंग अ हमर इन इंडिया, पीछे से मेरे जैसा देखो एक खट्टा खट्टा मोटा ताजा आदमी भी आराम से यहाँ बैठा है विद फील लेके, पूरा सेट लेके, ठीक है. सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस हमर बिकॉज दिस इज अ मॉन्स्टर विच वी हैव मेड ओवर 2 years. 2 साल का टाइम लगा और बहुत पेशेंस दिखाई हमारे भाई ने, हमारा पूरा सपोर्ट किया और बहुत जल्द आप इसको देखेंगे चलते हुए भी. मैं इसका एक ड्राइव लुक भी दूंगा आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में भी किया था और अभी एंड में भी आपको ड्राइव लुक दूंगा इसका. सो दिस इज़ अमेजिंग, ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. बट मैं फिर आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि दीज आर ट्रॉफी कार्स, नॉट इन रेगुलर यूज़, ठीक है. सो यू कैन कीप इट एट योर फार्म हाउसेज, जस्ट रोम अराउंड थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक है. बी केयरफुल, बी ऑलवेज केयरफुल. ये चीज़ें जो हैं रिच बॉयज टॉयज़ हैं, ये बनती हैं ऐसे, दीज आर नॉट सस्ती नहीं है, दीज आर नॉट चीप, बट सपने हैं लोगों के, तो सपने ऐसे ही पूरे होते हैं. जिनको इस चीज़ की लत है वो लत है. जैसे मुझसे पूछा था, पाजी आपका यही काम है बस, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ पकड़ लाते हो. सो दिस इज़ ऑल आई वुड से अ क्रिएटिविटी एंड आर्ट टुगेदर, ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज पारसुंडा वीलॉग्स विद द फर्स्ट इंडियन मेड हमर, इंडिजीनियस हमर H2 विच इज़ बेस्ड ऑन फोर्ड एंडेवर. आई होप यू लाइक इट, खूब सारा ढेर सारा प्यार देना, बेल आइकन दबा देना. मैं थोड़ा लेट ज़रूर आता हूँ, मेरे सीजन्स लेट होते हैं, बट जो भी चीज़ें लेके आता हूँ बहुत प्रिसाइस लेके आता हूँ. मैं हर रीसेल का आपको वो क्या कहते हैं व्यू रिव्यू नहीं दे रहा होता. ये जो चीज़ें हैं जो दिल के करीब हैं, जो आर्ट से रिलेटेड हैं, जो अपने हाथों से बनी हुई हैं, अपने सामने बनी हुई हैं, उनको दिखाने का मज़ा कुछ और ही है. सो वंस अगेन प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग, हेल्प मी टू मोनेटाइज माई चैनल. इस बार मैं कोशिश करूँगा मोनेटाइज करने की और आपका सपोर्ट, आपका प्यार खूब सारा चाहिए. फॉलो करते रहिए, थैंक यू सो मच. ये नहीं है मैं भूल गया हूँ आपको, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता रहूँगा जो कि दुनिया में सब कुछ सबसे हटके होगा. थैंक यू सो मच. हियर वी फेल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पारसुंडा वीलॉग्स विद जस्सी एज अ कैमरामैन विद मी.